पश्चिम बंगाल में आज जो हिंसा का माहौल है और जो भी अशांति की खबरें आ रही हैं, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और उसके नेता जिम्मेदार हैं। दरअसल ये बातें आज वार्ड नंबर 60 के तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित एक दावत इफ्तार के दौरान कही गई। इस दावत इफ्तार में राज्य के मंत्री और बालीगंज विधानसभा के विधायक बाबुल सुप्रियो, वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, एमएलए देवाशीष कुमार, सांसद नदीमुल हक, टीएमसी पश्चिम बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजूमदार समेत टीएमसी के कई काउंसलर्स और एमएमआईसी मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में यहां के काउंसलर कैसर जमील, रविंद्रनाथ दास, आशीष शॉ, मुराद एस महमूद और वेस्ट बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम का अहम रोल रहा। इस मौके पर सभी नेताओं ने एक सुर में बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि बंगाल को बदनाम करने की पूरी तौर से साजिश चल रही है और ये लोग बंगाल को हिंदू मुस्लिमों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनकी विभाजन की राजनीति कभी कामयाब नहीं होगी। नहीं, ये तो सब साजिश है बीजेपी का। मैं तो कुछ दिन बीजेपी में था जी। मैं जानता हूँ जो रामनवमी का पहले ही एक हफ्ता दो हफ्ता पहले ये लोग सब बैठ के ये सब साजिश बनाता था और बोलता था जे ये रास्ता से हम लोग जाएंगे, हाथ में इतना वेपन रहेगा, अस्त्र रहेगा और मस्जिद का सामने जाएंगे, हम लोग स्लोगन देंगे, उसमें कुछ वायलेंस पैदा होगा और वो वायलेंस लेते हुए हम लोग सेंटर का पास जाएंगे जे प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाए। जो आज भी देखिए एक ही बात हुआ, शुभेंदु अधिकारी लास्ट में बोला 355 हमको चाहिए। तो अल्टीमेटली ये लोग का इरादा यही है जे वोट में नाकाम हुआ, इलेक्शन में हम लोग पराजित हुआ, लेकिन बैकडोर से कोई ना कोई बहाना बना के हम लोग क्षमता में आए, यही इन लोग का साजिश है। लेकिन बंगाल का माटी जो है, मिट्टी जो है, ममता बनर्जी का जो लीडरशिप है, ये सब नाकाम रहेगा इसका सामने। हनुमान जयंती दादा, अच्छे तारीख को क्या लगता है उस दिन ये लोग भी वो लोग कोशिश करेगा। देखिए बाहर से वेपन भी लाएगा, आदमी भी लाएगा और इधर में कोई ना कोई जगह, देखिए पुलिस का तो संभव नहीं है जो बंगाल का हर कोने कोने हर इंच इंच जगह में ये लोग पहरादारी बिठाए, लेकिन ये लोग कोशिश करेगा क्योंकि ये लोग बंगाल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये दावत अवतार तो हमारा एक मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार चल रहा है और हम लोगों की ये दावत इफ्तार हमेशा होती रहेगी, मगर अफसोस की बात यही है कि जिस तरह से ना जब बंगाल में हिंदू और मुसलमान सब एक साथ एकता के साथ रहता है, मगर चंद लोग बीजेपी के कुछ गिने चुने गुंडे जो बंगाल में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं मुसलमानों के इस पाक महीने में रामनवमी को बदनाम करने के लिए भाड़े के टट्टू लाकर यहाँ पर झमेला कराना चाहते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने बंगाल के आवाम के, जो हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, कि आप लोग ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, आप लोगों ने इस चीज़ से नफरत करते हैं, जो गलत लोग हैं उनको आप लोग सज़ा ज़रूर दीजिएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए ये वाक़या जो है समझ लीजिए हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश, हमारी दीदी जो रियासत की वज़ीर आला है उनको बदनाम करने की ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं आपके ऑन कैमरा हालात बंगाल और न्यूज़ टेक के कैमरा के माध्यम से कहूँगा, देखिए ये बंगाल है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ये बंगाल है, ईश्वर चंद विद्यासागर का बंगाल है, ये हमारे काजी नजरुल इस्लाम साहब का बंगाल है। तो यहाँ भाईचारा, एकता, अखंडता यहाँ किसी भी कीमत पर, यहाँ पर जो है ममता बनर्जी को जितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, जो एक लोड शेडिंग MLA है जिन्होंने चोरी कर करके कारचुपी कर कर करके उन्होंने लोड शेडिंग करके 1900 वोटों से जो जीत हासिल की है, तो वो समझ लिया अपोजिशन का वो लोड शेडिंग लीडर है। तो यहाँ किसी भी कीमत पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के आवाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए कि ये हिंदू का जितना है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, उतना बौद्ध का, उतना जैन का है। इसलिए बंगाल एक ऐसा धरती है, यहाँ की धरती में सिर्फ और सिर्फ जो है प्यार बढ़ता है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ये हम लोग सब इसको ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग सब प्यार बांट रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए आज हम लोग यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस वार्ड 60 की जानिब से इफ्तार के तमाम में उसमें आए हम लोग यहाँ पर, ये
जो फिजा चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक मैसेज देना चाहते हैं कि बंगाल में हम लोग फिरका वारना आहंग भी जो है जो भाईचारा है इसको बिगाड़ने नहीं देंगे। इसी के लिए आप देखे होंगे आज हर तबके के लोग आए, हर मज़हब के लोग आए यहाँ पर एक साथ मिल कर करके इफ्तार हम लोग एक साथ खोले। तो हम लोग का ये मैसेज है यहाँ पर भाईचारा का मैसेज कि हम लोग यहाँ पर बंगाल में भाईचारा का जो माहौल है उसको बिगाड़ने नहीं देंगे। रिश्वत में जो घटना हुआ, हावड़ा में घटना हुआ, दालखोला में हुआ, तो आप लोग वहाँ पर गए नहीं? माइनॉरिटी लीडर प्रशासन है, प्रशासन काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको मुबारकबाद देंगे कि बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। ये एक मोहब्बत का पैगाम है, 60 नंबर वार्ड के आवाम ने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है, जो पैगाम हमारी और आपकी इज्जत माफ वज़ीर आला ममता बनर्जी पैगाम देती है कि धर्मो जार जार उत्सव सभर, तो इस महफिल में हर मज़हब के लोग हैं, इस बात का पैगाम दिया है कि मगरबी बंगाल में सेक्युलर गवर्नमेंट और सेक्युलर लीडर ममता बनर्जी है और यहाँ पे जितने भी लोग कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश करेंगे वो नाकाम होंगे। और 60 नंबर के वार्ड ने ये बात का मैसेज दिया है कि कल भी ममता बनर्जी के साथ हम लोग थे, आज भी है और आने वाला कल भी रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सेक्युलर लीडर के इख्तियार में एक पुलिस सारा कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता, कुछ कुछ तो प्री प्लान इनका जैसे कि चाल रहता है, हर चाल तो विजिलेंस और सिविलेंस समझ नहीं पाते, कहीं कहीं लैप्स हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम करी और बहुत जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की है। सेक्युलर लीडर की जो जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं और ये लोग देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना कोई ना कोई एजेंडा होता, तो बीजेपी बंगाल में जब आई थी तो कहा था अब की बार 200 पार, लेकिन मगरबी बंगाल के आवाम ने उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे के वापस किया है, तो उन लोगों को पिछले हार का ये करने के लिए वो लोग सोच रहे कि वायलेंस एक रास्ता है और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। मगरबी बंगाल के आवाम ने उन लोगों को नकारा है और आने वाला कल भी नकारेगी। इफ्तार के माध्यम से क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो बिल्कुल सिंपल है कि आवाम के बीच में रहिए और मोहब्बत का पैगाम दीजिए, हर मज़हब के लोग मिलजुल के रहें, यही इस रमज़ान मुबारक महीना का यही पैगाम है। हमारे बांग्ला जेखने राज्य मुख्यमंत्री नाम মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, हमारे ये राज्य जरा मन करे जे सम्प्रीति नष्ट करबे तारा कोनो दिन ही जायगा पाबे ना, कारण आमरा विश्वास करी सर्वधर्म के लिए चलबार, आमरा विश्वास करी हमारे कवि लिखे गेछेन नाना जाति नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन मोहन, আমরা ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটিতে বিশ্বাস করি, আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলে বিশ্বাস করি। আজকের এই রমজান মাসে, পবিত্র রমজান মাসে যে দাঙ্গাবাজরা দাঙ্গা করার চেষ্টা করছে তারা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নেত্রী, উদার নেত্রী, তিনি সবসময় মানুষের পাশে ছিলেন, মানুষের পাশে আছেন এবং মানুষের পাশেই থাকবেন। বিজেপি হলো দাঙ্গার রাজনীতি করেই ক্ষমতায় এসছে গুজরাটে, আর আমরা গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এসেছি। ওরা গুজরাটে দেখবেন আপনারা মানুষে মানুষে বিভাজন করে গোদরাকাণ্ড ঘটিয়ে এসছে, আর আমরা নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর ছোটোআঙারি আর নানুর গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এসেছি। ওরা ডিভাইড অ্যান্ড রুলে বিশ্বাস করে, আমরা ইউনাইটেড ইন্ডিয়ায় বিশ্বাস করি, ওদের বিচারধারার সঙ্গে আমাদের বিচারধারার পার্থক্য আছে। আমি যে একটাই কথা বলবো, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সবসময় বলেছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার, আমি মনে হয় না কোনো গণ্ডগোল হবে, যদি গণ্ডগোল করে তাহলে আমাদের বিরোধী পক্ষরাই করবে, কারণ যে মুখ্যমন্ত্রী মুখে বলে যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার, সেই মুখ্যমন্ত্রী কোনো গণ্ডগোলের প্ররোচনা দিতে পারে না, তাই যদি আমাদের বিরোধী পক্ষ কোনো গণ্ডগোল করে তাহলে এবার আমরা শক্ত হাতে তার হাল ধরবো, এখান থেকে বার্তা দেবো সেই একই বার্তা যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যে এখানেই দেখা যাচ্ছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার, আমরা হিন্দু হয়ে আজ মুসলিম রমজানে এসছি, আবার আমাদের দুর্গাপুজোর সময় এই সব ছেলেরা এরাই আমাদের সাথে দুর্গাপুজো উৎসব পালন করে, তাই আমি বলবো যে আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য এই রাজ্য সকলের জন্য রাজ্য, এই রাজ্য সব জাতের জন্য, মুসলিম হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই সকলের জন্য এই রাজ্যে, এই রাজ্যে কোনো গণ্ডগোল নেই, কোনো অশান্তি নেই। আজ হম লোক যে ইফতার পার্টি দিয়ে হ্যাঁ
ये हम लोग सबको मिल के किए हैं और हम लोग इंशाल्लाह चाहते हैं कि ऐसा इफ्तार पार्टी हर वार्ड में हो ताकि लोगों में एक अमन रहे और लोग सोचे कि ये इफ्तार पार्टी से हम लोग, जैसे अभी बाबूदा बता रहे थे कि हम लोग की दीदी फरमाती हैं कि कभी भी हम लोग हिंदू मुस्लिम का फीलिंग्स है नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा ममता बनर्जी खुद पुलिस की मिनिस्टर है। तो रहा सवाल हम लोग अच्छे से इस टाइप से इफ्तार करें, सबको मिल के किए, इसमें हमारे आज काफ़ी लोग आए थे, हमारे MLA आए थे, हमारे नदीम भाई आए थे, बाबूदा आए थे, देवादा आए थे और बहुत सारे लोग आए, बख्शीदा बाबूदा ये आपके बश्नोदा आए थे। तो बोलना यही है कि हम लोग को मिलजुल के इस टाइप से हर प्रोग्राम करना और इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम हर साल होता रहेगा। इस साल हम लोग अच्छे से चाह रहे थे करना, इसलिए हम लोग ने अच्छे से कोशिश किया, ये छोटी सी कोशिश है, बाकी अल्लाह हमारे बीच हमारे जो अच्छे जिसमें हम लोग सब मिल के काम किए हैं, जैसे रुबीदा हैं, आशीष है और हमारी टोटल टीम हम लोग की पकड़ लीजिए 60 के सभी लोग हैं। बस यही बोलना है कि आप लोग भी कोशिश करें कि हर वार्ड में इस टाइप से इफ्तार का प्रोग्राम करें ताकि मुस्लिम हिंदू जो ये बात एक होती है, ये एक आपस का एक भाईचारगी रहे, बस यही बात।